राम राम किसान भाइयों, लगभग अप्रैल के महीने, अप्रैल से तो नहीं, खाद कब तैयार करी थी अपने? मार्च में शुरू कराया था काम, मतलब इस एरिया में अपने कुलदीप भाई ने एक दो वीडियो पहले भी मैंने डाल दी है, बिल्लू सज्जे और डिगाना। तो सबसे पहले तो हमने इस खेत के लिए करी थी गोबर की खाद तैयार, और वो करी थी जाइटोनिक गोदन थे। तो लगभग क्या ट्राली पड़ी थी फिर अपनी किल्ले में? दो ट्राली पड़ी थी, मतलब कुड्डी मार मार के फिर छिदाई थी उसने? फिर छिदाई थी, खेत में सारा घेर के फिर गोबड़ी। अच्छा, और उसके बाद में फिर आपने जब बिजाई करनी शुरू करी तो उस टाइम पर फिर आपने 5 किलो जाइटोनिक एम डाला था उसे गोबर की खाद में। तो खाद भी गई थी नहीं बिजाई में? हाँ, के दिया था खाद में आपने? SSP यूरिया और पोटास 20-20 किलो किल्ले, मतलब 20 किलो SSP, 20 किलो पोटास, 20 किलो पोटास और 10-12 किलो यूरिया, और 10-12 किलो यूरिया। तो वह हमने नीचे बेसल डोज में डलवाई थी गोबर की खाद के साथ, जाइटोनिक गोदन तो तैयार होगी बाद में फिर जाइटोनिक एम। उसके बाद में फिर मतलब लगभग 90 दिन की चलगी नहीं आप फसल अपनी? लगभग 90 दिन पे जाली। बीच में फेरेमोन ट्रैप लगाए अपन ने, तो 1 किलो में क्या फेरेमोन ट्रैप लग रहे हैं? ये लग रहे हैं 5 5 फेरेमोन ट्रैप लग रहे हैं। तो गुलाबी सुंडी की फिलहाल बढ़िया बारिश हो ली, मौसम एकदम साफ है, तो ये गुलाबी सुंडी कुछ फिटकली आवे है? कुछ भी नहीं आने लग रही, ठीक है। और जाइकोनिम और एमामेक्टिन बेंजोएट स्प्रे हुए कई दिन हो गए इस खेत में? 10 दिन कारोबार। तो एक बार ओवरऑल पोजीशन देखो जी नरमे की, किसी भी प्रकार की कोई इसके अंदर सिंथेटिक पायरेथ्रोइड दवाई नहीं जा रही। लगभग 8-10 एकड़ का प्लॉट है, अगर आप इस पर देखोगे हड़का फुड़का कोई नाम मात्र थ्रिप्स मिल जाए तो मिल जाए। बिल्कुल सॉफ्ट पत्ता है, पत्ते का साइज बिल्कुल एकदम चौड़ा है, बहुत सोना फुटाव करने लग रहा है, हाइट कम है, और हाइट कम होने का आपने इस चीज में फायदा भी है क्योंकि नीचे का फुटाव ज्यादा है। और लगभग लगभग अगर एवरेज देखा तो 4-4, 5-5 टिंडे हर पौधे के लिए बन रहे हैं। अभी तक का ये पूरा 100% IPM पे चलता हुआ खेत है जाइडेक्स के दिशा निर्देश के हिसाब से। और अगर हम लोग ओवरऑल अभी तक देखें, 0 सफेद मच्छर, 0 थ्रिप्स, 0 हरियातिल्ला, पौधे का बहुत ही शानदार फुटाव, और अभी बहुत बढ़िया इक्का दुक्का हर पौधे पे दोबारा से फूल। तो ये माहौल अपना चलने लग रहा है अभी तक। जब तक अपनी कटाई कंप्लीट नहीं हो जाएगी, चुगाई कंप्लीट नहीं हो जाएगी, जब तक रेगुलर आप इस खेत में IPM के दौरान जो जो चीजें आप करते रहेंगे वो सारी बताते रहेंगे। और लास्ट में हमारा ये पूरा दावा है कि गुलाबी सुंडी भी 100% रोक पाएंगे इससे, सफेद मच्छर भी रोक पाएंगे। तो लगभग इस तरीके से हम लोग चल रहे। अभी जाइटोनिक NPK जब तो जब अगला स्प्रे करो तो जाइटोनिक NPK 1 किलो उसके साथ में, क्योंकि अब हुमस थोड़ी बड़ी है, सफेद मच्छर थोड़ा सा बढ़ना दिखेगा, तो साथ में 60 ग्राम उलाला सफेद मच्छर हरे मच्छर के लिए, और इसके साथ में जाइकोनिम गुलाबी सुंडी के लिए। तो ये अपना अब दूसरा स्प्रे अपने करना है। दूसरा स्प्रे का रिजल्ट आओगा, इतना अपनी जो नरमा है 100 दिन 110 दिन के करीब चल जाएगी। उसके बाद में अगर गुलाबी सुंडी दिखती है या बाय चांस अगर आती है तो सिंथेटिक पायरेथ्रोइड जैसे डेल्टा मैथ्रीन, फैन प्रोपेथ्रीन, इन टेक्निकल का उस टाइम पे मतलब इस्तेमाल करेंगे, और 3 स्प्रे में या लास्ट टू लास्ट 4 स्प्रे में बिना गुलाबी सुंडी, बिना सफेद मच्छर, बढ़िया पैदावार बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के साथ शुरू से लेके आखिर तक। तो कुलदीप, अगला जो अभी 5-4 दिन बाद में स्प्रे है, क्योंकि 8 दिन हो गए, 5 दिन और काट,
क्योंकि ह्यूमस है, ठीक।